राज्य सरकार ने नई दो कानून लाए थे, शिक्षण संस्थानों और रोजगार संस्थानों में 49.5% जो आरक्षण सीमा थी राज्य में पहले, उसको बढ़ाकर 65% की गई। तो हमने इसको चैलेंज किया था पटना हाईकोर्ट में, ये कहते हुए कि ये संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है। और जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच इंदिरा सानी के केस में जो 9 जजेज की बेंच ने ये एक फैसला सुनाई थी कि 50% के सीमा निर्धारित जो आरक्षण का है वो कोई भी राज्य सरकार कभी भी वायलेट नहीं कर सकती है। रिसेंटली 2021 में लक्ष्मण राव पाटिल केस में फिर से ये अपील किया गया, फुल स्टॉप किया गया, यहाँ तक कि कोई भी राज्य सरकार 50% के सीमा को आरक्षण का नहीं बढ़ा सकती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने दो नए कानून लाया, आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जिसको हमने चैलेंज किया और यही ग्राउंड लिया कि आर्टिकल 14-16 का वायलेट करती है और 50% जो सीलिंग लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था उसको भी ब्रीच कर रहा है। आज फैसले में भी मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यही फैसला सुनाया कि जो दो नए कानून है वो संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14-16 को वायलेट करती है और वो जो 50% सीलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था उसको भी वायलेट करती है। नाम मेरा गौरव कुमार है, एडवोकेट गौरव कुमार।